लीजिए पितामा, आपके लिए। सौभाग्यवती भव। वानरराज, युवराज कहाँ है? यही तो है, अभी तो लिटाया मैंने। अभी तो यही थे, क्षण भर का समय भी नहीं हुआ, कहाँ चले गए? किसी ने मेरे लाल को देखा क्या? कहाँ जा सकता है? किसी ने तो लिया होगा, अदृश्य तो नहीं हो सकता। देखिए कहीं पलंग से नीचे तो नहीं गिर गया। प्राण वल्लभ, दो दिनों के हनुमान लल्लभ घुटनों पर चलने लगे, इसमें आश्चर्य कैसा? हमारे श्याम सुंदर ने भी जन्म से छठवें दिन ही राक्षसी पूतना के प्राण खींच लिए थे। आंखें जो देखती हैं और जिसे सत्य मानती हैं, वो अधिकतर एक भ्रम होता है। सर्वव्यापी भगवान शंकर अपनी आठ मूर्तियों के रूप में इस जगत के हर तत्व में वास करते हैं। आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी रूपी पांच महाभूतों में वास करते हुए उनका नियंत्रण करते हैं। और इसके अतिरिक्त
महादेव रूप से चंद्रमा में, ईशान रूप से सूर्य में और पशुपति रूप से समस्त पशुओं अर्थात जीव जंतुओं के भीतर रहते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणु से लेकर सारे पशु पक्षी मनुष्य देवता इन सब की आत्मा में पशुपति उपस्थित है। ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्याम जगत। इस जगत में जो कुछ भी है सब में महेश्वर का वास है। इन आठ रूपों में से जो सर्वव्यापी वायु है इस ब्रह्मांड में सभी जीवों की सारी शक्ति का कारण प्राण रूपी वायु ही है। और जब ये शक्ति एक रूप ले लेती है तो वो और कोई नहीं स्वयं हनुमान ही है। यदि वो प्राण वायु रूपी हनुमान अपने शैशव में ही वज्रकाय हो, महाबली हो, संकट मोचन हो तो आश्चर्य कैसा। उन्हें देखने वाले निरंतर अद्भुत रस में डूबे रहे तो आश्चर्य कैसा। वो है ही अद्भुत। अद्भुत शिशु, हमारा शत्रु एक शिशु। वाली भैया, मुझे आपसे ये आशा नहीं थी। अब आप शिशुओं से भी प्रतियोगिता करने लगे। ये कोई हंसने की बात नहीं है सुग्रीव। वो मरकट कोई साधारण शिशु नहीं है। वो शिशु है किंतु वो मायावी शक्ति संपन्न है। मायावी है तो भी न जाने कितने यक्ष राक्षस आदि घूमते रहते हैं, सब तो हमारे शत्रु नहीं हो जाते। और फिर एक शिशु। तुम समझते क्यों नहीं सुग्रीव? तुम मुझ महानतम के निर्णय पर संदेह कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं महानतम अकारण किसी अजन्म शिशु के प्राण लेने का प्रयत्न करूंगा? नहीं वाली भैया, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है। तो क्या अर्थ है? क्या किसी विष भरे सपोले को इसीलिए पालते रहना चाहिए कि वो अभी शिशु है, नवजात है? अरे मूर्ख, बुद्धिमान तो वही है जो विष वृक्ष को बढ़ने से पूर्व ही उसे जड़ से उखाड़ के फेंक दे। वह मरकट हमारे किष्किंधा राज्य और परिवार को ग्रसने वाला राहु है। यदि हमने उसका नाश नहीं किया तो वो हमारा विनाश कर देगा। किंतु आप ये सब कैसे जानते हैं? स्वयं देवर्षि नारद जी ने मुझ महानतम को यह सूचना दी। यदि ऐसा है तो भैया मैं भी आपके साथ हूं। किष्किंधा की रक्षा के लिए मैं अपने हाथों से उसकी जीवन लीला का अंत करूंगा। आप जब कहें तब मैं चलने के लिए प्रस्तुत हूं। कब चलना है? कल भोर में ही। कल
जननम भूत गणादि सेवितम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थजम् फल चारु भक्षण बुद्धिहीन, यदि किसी सैनिक ने हमें देख लिया तो पकड़े गए तो बंधक बना के रख लिए जाएंगे, और पहचाने गए तो भैया मैं सोच रहा हूं, सोचने का काम तुम मत करो सुग्रीव, वो तुम मुझ महानतम के लिए छोड़ दो, तुम केवल मेरी आज्ञा का पालन करो, समझे? जी भैया। भैया मेरे मन में एक विचार, इतना मोहक शिशु है, इतना प्यारा शिशु मैंने आज तक नहीं देखा। प्यारा शिशु? अरे मूर्ख, ये वही मरकट है, हमारा शत्रु, किष्किंधा का शत्रु। किंतु भैया वो मरकट नवजात है, कुछ दिन पूर्व ही जन्मा है, किंतु ये तो 5-6 मास का दिख रहा है। ये तो सचमुच 6 मास जितना बड़ा है, किंतु ये कैसे संभव है? इसके जन्मे तो 5 दिन भी पूरे नहीं हुए। कोई और होगा हमारा शत्रु, ये तो कहीं से भी दुष्ट नहीं लगता। ये तो कितना शांत है, इसे तो देखने से ही मन में आनंद सा उठता है। ये वही शिशु है, मुझ महानतम से ये भूल नहीं हो सकती। किंतु भैया, किंतु विंतु कुछ नहीं, तू जानता नहीं, ये दुष्ट बड़ा ही भयानक मायावी है। मायावी?
मुझे तो नहीं लगता। जब तक प्राणी का कर्म शुद्ध नहीं रहता तब तक उसकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। वो सत्य को सामने देखकर भी देख नहीं पाता। उसके कल्याण का मार्ग बार बार उसके सामने आता है, फिर भी वो उसका चुनाव नहीं कर पाता। समझाने वाले को वो अपना शत्रु समझता है और अंत में अपने सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली परम संत हनुमान को बार बार देखकर भी उससे शत्रुता करता रहा और अपने अंत काल तक ऐसे ही भटकता रहा। कर लिया लल्ला ने स्नान, अब कर लीजिए थोड़ा ध्यान। हार कंठ में कुंडल कान, कितनी सुंदर है मुस्कान। महारानी जी आप कुछ खा लीजिए, जब तक युवराज का अन्नप्राशन नहीं हो जाता तो उनके लिए भी आपको ही खाना होगा ना। अरे हाँ, फिर तो हमें बहुत सारा खाना होगा, क्यों केसरी नंदन? लीजिए महारानी जी, खा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। धाई माँ आप भी खाइए ना। अभी नहीं, अन्नप्राशन के बाद। भैया ये तो घुटनों के बल चल रहा है और आप कह रहे हैं कि 6 दिन का भी नहीं है। माया भी है मकट, बोला था ना मैंने। युवराज जी थोड़े और बड़े हो जाइए, फिर मैं स्वयं आपको सेब के उपवन में ले चलूंगी। चलेंगे हम उपवन, खाएंगे फल हम भर मन। महारानी जी मैं आपके लिए स्नान का प्रबंध करती हूँ। केसरी नंदन अब मैं स्नान करके आती हूँ। रही है करने स्नान और आप कीजिए कुछ क्षण आराम। चलो चलो लेट जाओ। देखो तो इस मायावी मरकट को, 5 दिन का भी नहीं है और सेब खाना चाहता है। किंतु भैया देव, भैया ये तो खड़ा भी हो गया। ये तो सच में चमत्कारी शिशु है। चमत्कारी नहीं मंदबुद्धि, मायावी।
स्वयं देवर्षि नारद जी ने मुझे कहा कि ये मरकट तेरे पतन का कारण बनेगा। मेरे होते हुए आपका पतन? कभी नहीं। स्वयं देवर्षि नारद जी ने मुझे कहा कि ये मरकट तेरे पतन का कारण बनेगा। मेरे होते हुए आपका पतन? कभी नहीं। वाली जितना दुष्ट और धूर्त है, सुग्रीव उतना ही निश्चल और सरल। कितनी सरलता से वो घमंडी वाली के झूठ में आ गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सरल व्यक्ति जैसा स्वयं है वैसा ही संसार को देखता है। जैसे सुग्रीव का हृदय सरल है, इसी कारण वो मेरा मित्र है। जिसके हृदय में छल और कपट हो वो मुझे पा ही नहीं सकता। कपट करने वाला सोचता है कि वो सबको मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, किंतु अंत में वो अपनी ही हानि कर बैठता है। जैसे देखो, आज वानर राज सुग्रीव की देवता तक प्रशंसा करते हैं, जबकि वाली अपने कर्मों के कारण हर लोक में निंदा का पात्र है। भैया मैं गिर गया और आप हंस रहे हैं? क्योंकि मैं भी तुमसे पूर्व इसी तरह गिर चुका हूं, ठीक वहीं से। कौन है वहां? कौन है? कहां गए ये सब? तो यहां से आ रहे थे, कहां गए? भी भूख लग रही क्या भैया?
आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया भैया। कहाँ ढूंढू भैया? हमने प्रायः पूरा राजभवन ढूंढ लिया, किंतु वो शांत और सुंदर शिशु अब तक नहीं दिखाई दिया। शांत सुंदर मरकट बोलो, मरकट शत्रु है वो हमारा। मुझे क्षमा करें भैया, मैं भूल गया था। अब मैं सदा स्मरण रखूंगा, मरकट मरकट। राज आइए अमात्य, कल युवराज के षष्ठी संस्करण की सारी व्यवस्था हो गई। जी वानर राज, आपसे कुछ परामर्श करना था। किस विषय में? दसवें दिन के नामकरण और संस्कार के लिए अतिथि की सूची के विषय में। सर्वप्रथम युवराज के नाना वानर राज कुंजर। वानर राज, मैंने तो उनका नाम सर्वप्रथम लिख लिया था। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ से आरंभ करके अंग, उत्कल, कंबोज, कैकई, काशी, मिथिला, सोबीर, चैदियर। सात सभी मित्र राज्यों को निमंत्रण दे। मले, माल्यवान, मैनक और मथुरांचल के भी शासकों को निमंत्रण भेजिए। परम पूज्य ऋषि पनक, ऋषि मगध और ऋषि अगस्त को तो आना ही होगा। साथ ही दंड ककानन, मतंगारण्य तथा नैमिषारण्य में तपस्या कर रहे सभी ऋषियों को संदेश दीजिए कि युवराज को आशीर्वाद देने अवश्य पधारें। और हमारे सीमावर्ती किष्किंधा के राजा ऋक्षराज और उनके पुत्र वाली और शुक्रानी। नामकरण के साथ कल के षष्ठी संस्कार में भी उन दोनों को आमंत्रित कीजिए। प्रणाम महाराज। महाराज, ऋषि शवानी के शिष्य आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। आने दो। जी महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम तपस्वी। हम दंडकारण्य से आपको कुछ सौंपने आए। प्रणाम
यह अष्ट धातु से निर्मित एक सिद्ध गदा है महाराज। हमारे गुरु के गुरु ने यह गदा तपस्या करके स्वयं दिव्य शक्तियों से प्राप्त की थी महाराज। किस प्रयोजन से? और एक तपस्वी का गदा से क्या कार्य? राक्षसों से संघर्ष करने के लिए हमारे गुरु के गुरु ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था महाराज, किंतु कालांतर में उन्होंने हिंसा का त्याग करके अहिंसा का व्रत धारण किया था महाराज। उनके देहावसान के पश्चात यह गदा हमारे गुरु ऋषि सावर्णी की सुरक्षा में थी। सुरक्षा में? जी, वे अपने गुरु की आज्ञा अनुसार इस गदा के अधिकारी के जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु 2 सप्ताह पूर्व उन्होंने भी देह त्याग दी। अपने देहांत के पूर्व उन्होंने कहा था कि यदि यह गदा आश्रम में रही तो किसी राक्षसी शक्ति में पड़ जाने का संकट हो सकता है, अतः उनके आदेश पर ही हम यह सिद्ध गदा आपको सौंपने आए हैं। किंतु मुझे ही क्यों? उन्होंने कहा था कि शम्भ साधन नामक राक्षस के वध के पश्चात आप ही इस गदा के योग्य अधिकारी हैं। अच्छा, जो इसके वास्तविक अधिकारी हैं वो कौन है? मैंने भी उनसे यही प्रश्न पूछा था। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? समय आने पर इस गदा का वास्तविक अधिकारी स्वयं आपसे यह गदा मांग लेगा महाराज, और आप ये गदा उसे सहर्ष दे भी देंगे। ऋषियों की बातें सदा समझ में नहीं आती, किंतु समय बीतने पर हर रहस्य खुल ही जाता है। किंतु इस गदा में क्या विशेष है? वानर राज, यह अमोघ गदा है। अपने लक्ष्य पर चोट करने के पश्चात वापस अपने स्वामी के हाथों में लौट आते हैं, और दूसरी विशेषता इसकी यह है महाराज कि इससे टकराने वाला चाहे वो कठोर से कठोर तत्व से ही क्यों ना बना, इससे टकराकर खंड खंड हो जाता है। अज्ञानी, अब मैंने क्या किया भैया? मैं तो कब से यहाँ पे चुपचाप खड़ा हूँ। तुम नहीं, ये तपस्वी इतना भी नहीं जानता कि इस गदा का योग्य अधिकारी कौन है। कौन है भैया? कौन है? मैं महानतम, और कौन? वो तो आप हैं भैया। ये गदा तो किष्किंधा में होनी चाहिए। मेरे पास
मुझ महानतम के हाथ में। ये तो बहुत ही अद्भुत गदा है। आपके गुरु के गुरु अवश्य ही कुशल योद्धा रहे होंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बताइए इस गदा का मैं कैसे प्रतिदान करूं? नहीं महाराज, हमें कोई प्रतिदान नहीं चाहिए। आप राक्षसी आक्रमण और आतंक से निर्दोष मनुष्यों व प्राणियों की रक्षा जैसे करते आए वैसे ही करते हैं। यही हमारे गुरु की इच्छा थी। प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है और ऋषियों को दान करना भी राजा का कर्तव्य है। मंत्री जी। जी महाराज। इन युवा तपस्वियों को हमारी ओर से 1,000 स्वस्थ गायें प्रदान करें। अब आप लोग विश्राम करें और कुछ दिनों तक हमारे अतिथि बनकर रहें। आपकी जय हो राजन। परम शक्तिशाली ईश्वर आपकी भुजाओं में और बल दे, आपके वंश को बढ़ाए और सदैव सुरक्षित रखे। अभी नहीं बेटा, अन्न प्राशन के पश्चात आ जाओ। अंजने, ये देखो क्या पहना? मेरा नया गदा। जानती हो इसकी विशेषता क्या है? क्या आर्य पुत्र? ये अमोघ गदा लक्ष्य पर चोट मारकर स्वामी के हाथों में स्वयं वापस आ जाता है। और उससे भी अधिक विशेषता है, ये कठोर से कठोर शस्त्र को एक ही टक्कर में खंड खंड कर देता है। सब किसने किया प्रिय? न जाने किसने किया। मेरे कक्ष से जाने के पूर्व तो ये सब सेब वहां पेट पर पड़े हुए थे। आपके जाने के पूर्व कोई कक्ष में आया था क्या? नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ आपके ये पुत्र ही थे। किंतु हमारे पुत्र तो कुल 5 दिन के हैं, वो यहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे? वो तो अभी खड़े भी नहीं हो सकते। ज्ञान
गुण सागर जय कपीश दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश दिवलोक उजागर दूत अतुलित बल धामा रंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश नाथ ये देखिए वज्र और ध्वजा विराजे काले मोंज जने ओ साजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश दिवलोक उजागर जय सर्वप्रथम भार में वृद्धि और अब खड़े भी होने लगे, वो भी अपने आप बिना किसी की सहायता के। केवल 5 दिन में इतना विकास, एक ओर मुझे प्रसन्नता हो रही है तो दूसरी ओर चिंता। चिंता की तो कोई बात नहीं, तो हमारा पुत्र सच में? कुछ मत कहिए, माता पिता की भी दृष्टि लग जाती है। विलक्षण है, क्यों ना हो विकास ऐसा, पुत्र किसका है? अब आप समझे मैं सदा इसे केसरी नंदन क्यों कहती हूँ। मेरा तो है ही, दीन वत्सल भगवान भोलेनाथ शंकर का भी पुत्र है, उन्हीं के आशीर्वाद से तो ये पुत्र हमें प्राप्त हुआ है। हे भोले बाबा, अपने पुत्र पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। आज तो मुंह मीठा करने के दो दो कारण हैं। दो दो? एक तो आंचने का अपने पैरों पर खड़ा होना, दूसरा ये अद्भुत गदा प्राप्त होना। सुना था कि पुरुष कभी बड़े नहीं होते, सदा बालक बने रहते। हाथ साक्षात देख भी लिया। इस मरकट तक पहुंचने का यही एक सुरक्षित मार्ग है। गदा चाहिए, पक्के योद्धा के लक्षण हैं। किंतु अभी आप छोटे हो युवराज, थोड़े बड़े हो जाओ फिर जितने कहोगे उतने गदा ला देंगे। अच्छा, ये गदा आप कहोगे तो ये गदा भी आपको दे देंगे।
किंतु उससे पहले आपको हमारी तरह बलशाली होना होगा, व्यायाम करके, खा पी के। खाने से याद आया, हमें बड़ी प्रबल भूख लगी है, हम अभी आते हैं। हाँ, वाली लाया तो था उन्हें हनुमान लला को मारने के लिए, किंतु हनुमान के दिव्य आकर्षण से ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुछ क्षण के लिए वाली द्वारा भरे हुए सारे द्वेषों से सुग्रीव मुक्त हो गए। जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। सुग्रीव को अपने षड्यंत्र में मिलाने के लिए वाली को कितना कपट और धूर्तता करनी पड़ी, और हनुमान लला ने उसी सुग्रीव को एक मोहिनी मुस्कान से ही अपने निर्मल प्रेम के वश में कर लिया। उठाकर मूर्ति की तरह क्या खड़े हो, काम हो गया, चलो। यह अमोघ गदा है कि इससे टकराने वाला चाहे वो कठोर से कठोर तत्व से ही क्यों ना बना, इससे टकराकर खंड खंड हो जाता है। अपने लक्ष्य पर चोट करने के पश्चात
वापस अपने स्वामी के हाथों में लौट आते हैं। क्या कर रहे हो भैया, चलो। अरे ठहर तो। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञानम वैराग्यम सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वते।
कैसे हंस हंस कर पागल हो रही है? अरे वानर तो वानर होते हैं, उनका स्वभाव ही वानर का होता है। हाँ प्राणवल्लभ, ये बताइए कि रावण तो बड़ा ही पराक्रमी था, उससे तो देवराज इंद्र भी डरते थे, तो रावण के नाश में सहायता के लिए आपने वानरों का चुनाव ही क्यों किया प्रभु? रावण के अंत के लिए वानरों का चुनाव मैंने नहीं, स्वयं रावण ने ही किया था। स्वयं रावण ने? स्वयं रावण ने? प्राणवल्लभ, ये बताइए कि रावण तो बड़ा ही पराक्रमी था, उससे तो देवराज इंद्र भी डरते थे, तो रावण के नाश में सहायता के लिए आपने वानरों का चुनाव ही क्यों किया प्रभु? रावण के अंत के लिए वानरों का चुनाव मैंने नहीं, स्वयं रावण ने ही किया था। स्वयं रावण ने? स्वयं रावण ने? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से वरदान मिल जाने के पश्चात दुर्बुद्धि रावण स्वयं को अजय समझने लगा और राक्षस राज की स्थापना के लिए सर्वप्रथम उसने राजधानी के रूप में लंका नगरी का चुनाव किया, जो रावण के सौतेले भाई कुबेर के अधिकार में थी। उसे निकाल करके दशानन ने स्वर्ण नगरी लंका पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। फिर पापी रावण ने धनेश कुबेर को पराजित कर उसका दिव्य पुष्पक विमान भी छीन लिया। दुष्ट रावण अपनी विजय का प्रदर्शन करने के लिए संसार भर में घूमने लगा कि देखो अब इस पुष्पक विमान का स्वामी मैं हूं। सूर्यदेव देखिए मेरी शक्ति, ये दिव्य पुष्पक विमान भी अब मेरी इच्छा का दास है, जो आपके प्रकाश के मार्ग को रोक कर खड़ा है और हमारे पीछे पूरा पृथ्वी लोक गहरे अंधकार में डूब चुका है। यदि आप में सामर्थ्य हो तो मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए। आप अपनी शक्ति लगाइए, मैं अपनी शक्ति लगाता हूं। इस उद्दंड अहंकारी से क्या उलझना अरुण? इसका ना तो कोई कर्तव्य है और ना कोई धर्म, हमें तो स्वयं प्रकाशित होकर इस पूरे जग को प्रकाशित करना है। चलो अरुण। सारे देवता दशानन की उपलब्धि से जलते हैं, एक दिन इन सबको मेरी शक्ति को मानना पड़ेगा।